ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। अभी निर्जला एकादशी का व्रत आ रहा है। इस एकादशी व्रत की खासियत ये है कि आप अगर निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको साल भर में जो टोटल 24 एकादशियां होती हैं वो सभी एकादशी न करें, सिर्फ ये एक एकादशी कर लें तो भी आपको 24 एकादशी के बराबर ही फल मिलता है। तो ये बहुत खास है, लेकिन इसमें कुछ काम ऐसे हैं जो करना चाहिए और कुछ काम ऐसे हैं जो नहीं करने चाहिए, तो वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और संकल्प से लेकर के पारण तक का शुभ मुहूर्त भी बताएंगे। इसीलिए ये वीडियो खास है, बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा। निर्जला एकादशी 2022 के बारे में एक बार प्रेम से कमेंट में लिख दीजिए ओम विष्णुवे नमः, भगवान विष्णु का नाम लिखिए, क्योंकि सभी एकादशी व्रत जो होता है वो भगवान विष्णु को ही समर्पित होता है। निर्जला एकादशी व्रत सभी एकादशी व्रतों में सबसे महत्वपूर्ण एकादशी है। ये एकादशी व्रत ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखी जाती है। पांचांग के अनुसार इस बार निर्जला एकादशी का व्रत 10 जून को रखिएगा। इस दिन भक्त जो भी हैं बिना पानी का ग्रहण किए हुए इस व्रत को उपवास कीजिएगा, रखिएगा, पारण के बाद ही जल का ग्रहण कीजिएगा। इस व्रत को इसीलिए खास माना गया है और इसीलिए ये मुश्किल है पर पूरे सभी 24 एकादशियों का लाभ देता है। पांचांग के अनुसार इस वर्ष ज्येष्ठ शुक्ल की एकादशी की तिथि 10 जून शुक्रवार को है। सुबह 7:25 से स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद इस व्रत का संकल्प लेकर के व्रत शुरू कर लीजिएगा। एकादशी तिथि का समापन जो होगा वह 11 जून शनिवार को सुबह 5:45 पर होगा। इसी दिन पारण का शुभ मुहूर्त जो है 8 बजे के पहले से है, यानी कि 8 बजे के पहले और मॉर्निंग में 5 बजे के बाद, आप इस बीच में कर लीजिए, आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब आइए समझते हैं निर्जला एकादशी के व्रत में क्या करना चाहिए। तो दशमी के दिन यानी कि आप 9 जून को तरल पदार्थ यानी कि पेय पदार्थ जो होते हैं, पीने वाले पदार्थ जो होते हैं और फल होते हैं, उनका सेवन ज़्यादा कीजिएगा। कोशिश कीजिए कि पीने वाली चीज़ों का सेवन ज़्यादा कीजिए 9 तारीख को। व्रत के दिन प्यास से जो लोग हैं उनको पानी पिलाइए। जी हाँ, व्रत के दिन जो भी प्यासा है, जो व्रत नहीं किया है, पानी पीना है, उनको पिलाइए और अगले दिन उनको भी पिला सकते हैं जो व्रती हैं। व्रत के दिन छत पर या अन्य खुले स्थान पर पशु पक्षियों के लिए पानी और दाने की व्यवस्था कीजिए, यानी कि रख दीजिए। एक कोई भी पात्र लीजिए, बर्तन लीजिए और छत पर पानी जरूर रखिए। व्रत के दिन मानसिक तौर पर स्वयं को मजबूत रखिए, क्योंकि ये व्रत मानसिक मजबूती और दृढ़ प्रतिज्ञा से ही संभव है, क्योंकि गर्मी और पसीना बहुत होना है आपको और आपको प्यास लगनी है, तो इसीलिए थोड़ा सहना पड़ेगा। निर्जला एकादशी व्रत में आत्मसंयम और ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। व्रत पूजा के समय निर्जला एकादशी व्रत कथा का श्रवण या पाठ जरूर कीजिए। निर्जला एकादशी व्रत वाले दिन जल से भरा हुआ कलश दान कीजिए, शुभ होता है। हाँ, जो लोग बीमार हैं वो इस प्रकार से व्रत को ना करें, ये ध्यान रखिएगा, उनके लिए ये जरूरी नहीं है। अब निर्जला एकादशी व्रत के दिन क्या नहीं करना चाहिए, तो व्रत करने से पहले मांस मदिरा तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। निर्जला एकादशी व्रत में पानी तक पीना वर्जित होता है, इसलिए व्रत में कुछ भी न खाइए और ना ही पीजिए। यदि आपको कोई स्वास्थ्य समस्या है तो निर्जला एकादशी का व्रत मत कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही कठिन व्रत है। निर्जला एकादशी के दिन मन में किसी के प्रति द्वेष, घृणा, क्रोध मत रखिए। व्रत के दिन काम, मोह, लालच जैसी बुरी आदतें आपको अपने बस में न लें, इसका ध्यान रखिएगा। ये बहुत ज़रूरी है वैसे तो हमेशा ही, लेकिन खास करके निर्जला एकादशी के दिन तो आपको इससे बचना ही चाहिए। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही जानकारीपूर्ण वीडियो इस चैनल के माध्यम से हम लेकर के आते रहते हैं, तो ऐसी जानकारीपूर्ण वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएँ नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ताकि सभी को वीडियो मिल सके। आप देख रहे हैं जीवन जीने की कला स्पिरिचुअल चैनल। फिलहाल इस वीडियो को अंत तक देखा आपने, इसलिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। जाते जाते कमेंट में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जरूर लिखिए।